एवरीवन, आई एम अटराज सरमैन, वेलकम टू माय चैनल। आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। और इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन ई पी इज 24 एंड सम ऑफ द सिक्स एंड टेंथ टर्म ऑफ द ई पी इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द ई पी। मीन्स क्वेश्चन आपका है कि एट्थ टर्म और फोर्थ टर्म का सम आपका दे रखा 24, और क्या दे रखा है नेक्स्ट, सिक्स और टेंथ टर्म का सम है 44। तो आपको ए पी की फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखो। हाँ जी, तो गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, देखो ए फोर प्लस ए एट, फोर्थ और एट्थ टर्म की सम दैट इज 24। जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिखते जाइए, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब बताइए वैल्यू पुट करिएगा तो क्या मिलेगा। ए फोर क्या होता है, ए प्लस थ्री डी, एट क्या होता है, ए प्लस सेवन डी इक्वल टू 24। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। देखिएगा जैसा 2 कॉमन आ रहा है तो a प्लस 5d विल बी 24। यहाँ से a प्लस 5d की वैल्यू क्या हो गई 24/2, इम्प्लाइज ए प्लस 5d का वैल्यू आ गया 12 एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अगेन फिर से आपको देखिए क्या गिवन है। अगेन वी हैव, बताइए सिक्स और टेंथ टर्म का सम गिवन है यहाँ पे आपका, दैट इज ए सिक्स प्लस ए टेन कितना है देखो 44। तब वैल्यू पुट करिएगा तो ए सिक्स आपका क्या है, ए प्लस 5d, a प्लस 9d ये हो गई, ए टेन की वैल्यू ये कितनी हो गई 44। क्लियर। नेक्स्ट इसी को सॉल्व करिए, बताइए क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस ऑफ d में हो जाएगा 9 और 5 13 इज इक्वल टू 44। फिर से एक बार चेक कर लो, यहाँ पे a 6 था, a प्लस 5, ठीक है, क्योंकि इस आपका ये सिक्स और टेंथ टर्म का सम गिवन है तो ए प्लस 5d, ए प्लस 9d, 2a प्लस 9, 5 यहाँ पर 14 होगा, सॉरी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ रहा है आपका तो a प्लस 7d हो गया 44। क्लियर, ये 2 चला जाएगा जा डिवाइड में, तो यहाँ से a प्लस 7d की वैल्यू कितनी आ गई 44/2, तो यहाँ से आ गई a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22 एंड इट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो किसमें, सेकेंड, तो आपका ए कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी। क्या लिखोगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, अब सब्ट्रैक्ट करिए, सेकेंड आपका क्या है ए प्लस 7d 22, ये हो गया ए प्लस 5d इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट करोगे ठीक है, तो साइन चेंज, माइनस 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 ये तो कैंसिल, 7 माइनस 5 2d इक्वल्स टू व्हाट 10, यहाँ से d की वैल्यू क्या हो गई 10 बाय, यहाँ से d की वैल्यू आपके आ गई 5। क्लियर। अब इसको फर्स्ट में पुट करिए, नाउ putting the value of d in first we get, क्या मिलेगा भाई देखो, फर्स्ट आपका क्या है ए प्लस 5d इक्वल्स टू 12, तो ए प्लस 5d इक्वल्स टू 12 इम्प्लाइज ए प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 12, तो यहाँ से बताइए आपकी ए प्लस 25 इक्वल टू 12 आएगा। अच्छा इधर नोट किसी, इसको इरेज कर रहा मैं, अरे नोट कर लिया। अब चलिए अब बताइए वहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी ए की, निकाल लिए। चलिए यहाँ से आपका ये हो जाएगा इम्प्लाइज ए इक्वल टू 12 माइनस 25, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 13।
ए की वैल्यू आपकी आई माइनस ऑफ 13, तो ए की वैल्यू आ गई, क्या लिखोगे? सो वी हैव ए की वैल्यू रह गई आपकी माइनस 13 एंड डी की वैल्यू कितनी आई भाई देखो 5। क्लियर? अब ए भी निकाल सकते हो, पहले तीन टर्म ही बोला है, तो क्या लिखोगे? हिंस फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द ए पी आर क्या हो जाएगी भाई? पहला टर्म तो आपको माइनस 13 दिख ही रहा, दूसरा 5 प्लस ऐड करो तो 8 हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा माइनस ऑफ 3, ऐसा ही चलता जाएगा एंड सोन। आप अभी भी निकाल सकते हो, ओके? दिस इज योर आंसर, माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड देखिए।